मेरा भाई बगल में है, ये मैं निकला। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बहुत ही बढ़िया फेयर्ड बाइक खड़ी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़ी है हीरो की एक्जमार 210 और यहाँ पे है RS 200। भाई RS 200 की तो फैन फॉलोइंग एक अलग ही लेवल पे है। एक्जमार तो अभी अभी आई है, इसके सामने बच्ची है, बट हम देखेंगे परफॉर्मेंस में कि भाई RS को एक्जमार बीट कर पाती है कि नहीं कर पाती। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो गाड़ी है BS 3 है, तो हालांकि इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन हमारे पास यही अवेलेबल थी तो हमने कहा क्यों ना BS 3 के साथ किया जाए। तो BS 3 के साथ अगर एग्जमार की हम परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो क्या BS 3 हरा पाएगी एग्जमार को या एग्जमार हरा पाएगा BS 3 को, ये हम इस रोड पर देखेंगे, सीधी रोड पर। हमारे साथ में है भाई, उनका जो वेट है वो 60 kg है, हमारा जो वेट है 90 kg है, तो 30 kg का यहाँ डिसएडवांटेज मेरे को मिलने वाला है। तो अब देखेंगे थोड़ी स्किल लगा करके कि भाई जीत पाते हैं कि नहीं पाते हैं। फिलहाल चलते हैं, ड्रैग स्टार्ट करते हैं। बाकी इन दोनों का फिगर क्या बताऊँ, सब आपको पता ही होगा पहले से। आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हमारे जितने भी फैमिली हैं KC फैमिली, सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं। चलिए अब सीधे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस ड्रैग को, मिलते हैं ड्रैग में। चलिए, इस बार भाई ने बोला एग्जमार चलाएंगे, हम चलाते हैं RS। तो RS के जो लवर्स हैं उनको हम शर्मिंदा नहीं करने वाले, ठीक है। कोशिश पूरी करेंगे कि हम जीत पाएँ और एक 60 kg के बंदे को हरा पाएँ, कोशिश पूरी रहेगी। अरे भाई बगल में है, निकल जाओ। ओ भाई निकले, गर्जमा निकली, निकल गई भाई, निकल गए काफी हद तक, निकल गई। देखते हैं क्या कर पाती है BS 3। अरे क्या पीछे बच्चा है, तू इसके आगे बच्चा, मैंने जैसे कि बताया। मैं निकला बेटा, मार के साथ भी बंदा ले सकते हैं क्या? फर्स्ट में भी लेजेंडरी थी, आप ही लेजेंडरी है क्या भैया? ओ भाई कहां से आ गया भाई, रोक देते हैं नहीं तो थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी भाई के साथ में। एग्जमान नहीं जीत पाई भाई BS 3 से। 154 पे लिमिटर है इसका, अगर मैं BS 6 की बात करूं 147 पे लिमिटर है। असली मैच वही होगा, लेकिन अभी अपने पास गाड़ी नहीं है। क्या हो गया बाद में कैसे आ गए आप उठ के इधर उधर? अरे अपना जलवा अलग है, अपना जलवा अलग है। चलो भाई बोल रहे बाद में कैसे आ गए, हमने कहा हमारा जलवा है, चल जलवा अब जिससे दिखाते हैं हम थोड़ा, ठीक है। अब हम राइडर स्विच कर दिया है, ठीक है, अब इसको चला के देखेंगे कि क्या रिजल्ट होते हैं। 3 हॉर्न हम मारते हैं, मैं मार रहा हूँ। गली में है भाई, और भैया को नहीं निकलने देंगे भैया, आ गए आप। ओ भाई साहब, लाइट वेट है और उसकी हाई स्पीड ज्यादा है भाई, भाई मैं
37 48 पे आ गया लिमिटर। ओ भाई साहब लिमिटर आ गया 48 पे, ये क्या है? 11:00 तो भाई यहाँ पे अभी देख रहे हो ना लिमिटर आ गया 148 पे लिमिटर आ रहा है यार इसमें। अगर 148 में लिमिटर नहीं आता तो ये पीछे नहीं जा पाता। तो मेरे हिसाब से यार लिमिटर अगर इसमें ज़्यादा पे होता तो मज़ा आती, लेकिन इसकी गाड़ी पे यार 148 पे आ रहा है। मैंने और भी गाड़ी चलाई है, जैसे कि आपने देखा होगा जो आर 5 से मैंने की थी वो 151 या 152 गई थी यार, और फिर भी लिमिटर नहीं आया था। अब ये क्यों हुआ ऐसा ये तो अब मैं नहीं बता सकता, ये तो भाई कोई इंजीनियर हो वही बता पाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ आप लोग को मज़ा आया हो, एंजॉय किया हो आप लोगों ने, और भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए एंड इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर करिए, वहाँ पे कुछ अपडेट्स आती रहती हैं, रिव्यूज़ वगैरह करता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के ही राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।